हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी इतने लंबे गैप के लिए। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो क्लास 7 के ज्योग्राफी पर चैप्टर 5 था, जिसका नाम था एयर। सॉरी ये लगभग 2 या 3 साल के गैप के लिए। तो आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज हमें पढ़ना है वो है जियो का, क्लास 7th का है, चैप्टर नंबर 6, विच इज और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि हम नाम से देख सकते हैं, चैप्टर का जो नाम है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो हम वर्ल्ड में या किसी कंटिनेंट में या किसी देश में स्पेसिफिकली जिस तरीके के वहां पे वनस्पतियां जीव जंतु पाए जाते हैं उसके बारे में उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम किसी क्लास 7th के बच्चे को पढ़ा सकते हैं या हम क्लास 7th के लेवल पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो हम लाइन टू लाइन या बीच में कोई अनस्पेसिफिक बात आ रही है उसको स्किप करते हुए चलेंगे। अब जैसे कुछ एक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मनाली कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा अंदर कोई क्वेश्चन मिल जाए कि एक्स वाई जेड चीज कहाँ मिलती है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज के बारे में पता होता है, बट ऑप्शंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट या विलेज ना आकर उस स्टेट का ही नाम आ जाए, तो हमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज जो भी हमें याद करना है वो पूरा करना होगा। तो मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस स्टोरी को पढ़ते हुए जो हमें पता लगता है कि इसके अंदर यूं बताया जा रहा है कि एक सलीमा लड़की है, वो समर कैंप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो गई होती है मनाली के अंदर हिमाचल प्रदेश में अपने क्लासमेट्स के साथ में। तो जब वो चीजें याद करती है तो उसे याद आता है कि क्या याद आता है, द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंटीक स्लोली डिसअपियर्ड। कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, ऊपर पहली लाइन है बस क्लाइंब हायर एंड हायर, कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर तो जो जंगल थे जहां पर उन्हें साल या टीक के पेड़ मिल रहे थे वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं। शी कुड सी ऑल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। कि जो पहाड़ों के जो स्लोप्स थे, जो पहाड़ों की ढाल थी, वो वहां पर क्या पा रही थी कि उस तरीके के पेड़ थे जिनके ऊपर ऐसे तिखी तिखी पत्तियों वाले, कि जिन पे इस टाइप की पत्तियां हों या जो ऐसी ऐसी पत्तियां हों तिखी पत्तियों वाले उन्हें मिल रहे थे, कि जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है उस टाइप के उन्हें पेड़ मिल रहे थे। शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज। और उसे पता लगा कि वो पेड़ कॉनिफेरस ट्रीज के थे। तो अगर अपने उन्हें मोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाए तो जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं वो इस टाइप के बनते हैं, जैसे कि हम छोटे थे और क्रिसमस ट्री को इस तरीके से ड्रॉ करते थे, तो ये एक कॉनिफेरस ट्री का टाइप है। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। नॉर्मल बात है, दे वर द रोहोडेंड्रन्स। ये एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है या फिर जो स्टेट पीसीएस जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आया हुआ है कि रोहोडेंड्रन्स जो ट्री है वो किस टाइप की ट्री है, या जो रोहोडेंड्रन्स आई नॉट श्योर रोहोडेंड्रोन शायद एक टाइप का फ्लावर है, या वी कैन सी है दैट रोहोडेंड्रोन इज अ फ्लावर। तो ये फ्लावर किस टाइप का है, तो ये है एक कॉनिफोरस टाइप का। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सा दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। कि रोहतांग पास को जब वो जा रही होती है मनाली से, तब उसे पता लगता है, वो देखती है कि आसपास में छोटी छोटी घास उगी हुई है और कुछ एक जगह पर स्नो भी है। यहां पर एक वर्ड आया है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास के बारे में आपको बता दूं कि एक मनाली टू लेह नेशनल हाईवे है, मनाली टू लेह पास है वहां, उस मनाली टू लेह जो नेशनल हाईवे है वहां पर जो है वो चार अपनों को पासेज मिलते हैं। पास यानी कि दर्रा क्या होता है कि ये जो दो पहाड़ हैं इनके बीच में बिल्कुल छोटा सा पास होता है कि हम वहां से जा सके। तो अपने इंग्लिश में तो उसे कह दिया पास, और हिंदी में अपने उसे कहते हैं दर्रा। तो चार दर्रे मिलते हैं, और वैसे अगर अपने रोहतांग के लिए जो वर्ड आता है वो पास ना कि मोस्टली ला आता है, तो वो जो चार पासेज हैं वो चार पासेज कौन कौन से हैं, तो लेट्स सी विच आर दोज फोर पासेस। आई विल राइट देम ओवर हियर। वन इज रोहतांगला, सेकेंड वन इज बाड़ा लचाला। इट मे बी पॉसिबल दैट आई एम प्रोनाउंसिंग देम रॉन्ग, सो प्लीज फॉरगिव मी। और तीसरा है तंगलंग ला, एंड द फोर्थ वन इज लुंग लाचाला। तो ये चार दर्रे हैं। अब यहां पर इन सभी में ये एक ला शब्द का यूज हो रहा है, तो जो ला वर्ड है उसका मीनिंग है माउंटेन पास, यानी कि पहाड़ों
से पास होने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है माउंटेन पास। और आपको एक बात बता दूं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि जो रोहतांग, सॉरी हाँ, ये जो चारों हैं, ये तो है मनाली टू लेह हाईवे के। तो ये जो लेह है ये कैपिटल है लद्दाख की, जो कि अपना इंडिया का एक न्यू यूनियन टेरिटरी है। तो इस लद्दाख के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, ला एंड दाक। तो ला का मीनिंग जो है वो है माउंटेन पास, यहां मैंने आपको बता दिया। और जो दाक मीनिंग है वो है कंट्री। ऑलराइट, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो लेह है, लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है, उससे जोड़ता है कश्मीर वैली से एक नेशनल हाईवे विच इज NH1A। नेशनल, NH स्टैंड फॉर नेशनल हाईवे, नेशनल एंड हाईवे। 1A जोड़ता है लेह को कश्मीर वैली से। तो जो NH1A पर जो अपनों को मिलता है एक पास, कहें तो दर्रा, तो वो क्या पास है? वो है जोजिला पास। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बताती हूँ कि ये जो चारों दर्रे हैं, जो चारों पासेज हैं मनाली टू लेह हाईवे के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई टू सितंबर में ही खुलते हैं। क्यों सिर्फ जुलाई और सितंबर में खुलते हैं? क्योंकि इस टाइम में यहां पर बहुत कम बर्फ होती है, या फिर जो बर्फ होती है वो हट चुकी होती है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। कि इस पूरे पैराग्राफ से हमें क्या पता लगता है, या फिर अपने बुक के अकॉर्डिंग देखें, तो जो सलीमा ने ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक रिलेशन है हाइट के बीच में और नेचुरल वेजिटेशन के बीच में। वैसे ही एक रिलेशन है हाइट के बीच में और वाइल्ड लाइफ के बीच में। जैसे कि हमें पता है कि जो पोलर बियर होते हैं वो सिर्फ हमें पोलर एरियाज में या बहुत ठंडी जगह पर ही मिलते हैं, वैसे ही अपनों को पेंगुइन्स मिलते हैं। और जो हमें पता है कि जैसे लायन हो गए या जेब्राज हो गई, ये हमें मोस्टली ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। राइट, विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। कि हाइट के साथ साथ में क्लाइमेट चेंज होता है। कि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे अपना टेम्परेचर कम होता है, तभी तो जो माउंटेन पीक्स होती है वहां पर टेम्परेचर कम होता है। ऐसा ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाया जाता है कि अगर हम 165 मीटर्स हाइट में ऊपर बढ़ते हैं, हाइट में जाते हैं ऊपर, तो अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्लाइमेट में चेंजेस होंगे, और वो ही क्लाइमेट चेंजेस हमारे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर चेंजेस अकर करेंगे। और नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहीं पर वाइल्ड लाइफ रहेगी, तो वाइल्ड लाइफ भी प्लेस टू प्लेस एंड हाइट टू हाइट वेरी करती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इट्स अ नॉर्मल पॉइंट दैट जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसे किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए, किस टाइप का मॉइस्चर चाहिए, जहां पर उसे वो चीजें मिलेगी वो वहीं उगेगी। ऑलराइट, द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दिस फैक्टर। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, और वो 3 कैटेगरीज है फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज ग्रास लैंड एंड थर्ड वन इज श्रब। तो अपने सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट के बारे में कहा गया है कि ये वैसे जगह पर उगेंगे जहां पर टेम्परेचर होगा और रेनफॉल जो होगा, टेम्परेचर होगा और जो रेनफॉल है वो बहुत प्लेंटीफुल मात्रा में होगी, इतनी प्लेंटीफुल में कि वो जो ट्री कवर्स हैं, जो ट्री उग रहे हैं उनके लिए वो सफिशियंट हो, उनको सपोर्ट कर सके उगने में। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन फैक्टर्स के बेसिस पर ही डेंस और मतलब कि घने, और ऐसा भी होता है कि कुछ एक जगह पर जंगल है लेकिन वहां पर उतने पेड़ नहीं है जितने हमें कहा जाए। तो जैसे कि हम टीवी में देखते हैं कि जंगल बहुत घने होते हैं, लेकिन कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जो घने नहीं होते। तो ये क्यों ऐसा है कि कुछ घने हैं और कुछ घने नहीं है? इसका कारण है बारिश और टेम्परेचर, या फिर वैसी कंडीशंस जैसा उन्हें चाहिए। सेकंड वन इज ग्रास लैंड। सो हमें क्या मिलता है? विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होगी वहां पर फॉरेस्ट होंगे, जहां पर मॉडरेट यानी कि मीडियम बारिश होगी वहां पर ग्रास लैंड होंगे, और जहां पर बारिश की कमी होगी या जो एरिया सूखा होगा, जहां बारिश बहुत ही कम होगी वहां पर श्रब्स उगेंगे, थ्रोनी श्रब्स एंड स्कर्ब्स।
Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observations of the variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in humid regions and many more. कि सलीमा जो है वो अपने पापा के साथ में अपनी हिमालयन ट्रिप के बारे में बता रही थी. तो जो उसके पापा होते हैं वो भी काफी जगह पर घूमे होते हैं, तो वो सलीमा को बताते हैं कि किस तरीके से वैरायटीज डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में है. तो वो बताते हैं कि जो कोनीफरस फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलते हैं, सब पोलर रीजन्स में. थॉर्नी बुशेस जो है वो कहाँ मिलती है, डेजर्ट में. और जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है वो मिलते हैं ह्यूमिड रीजन में. कि जो कोनीफरस ट्रीज थे जो हमने इस टाइप के पढ़े थे, जिनमें स्पाइक लाइक थी, मतलब तीखे पत्ते वाले जो पेड़ थे, वो हमें कहाँ मिलते हैं, सब पोलर रीजन में. पोलर रीजन में आप कहोगे कि पोलर भी तो ठंडा है, वहां पे क्यों नहीं मिलते कॉनिफरस. पोलर रीजन इतना ज्यादा ठंडा है कि वहां पर बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं होता. अगर हमें कुछ वेजिटेशन मिल रही है तो वो हमें सब पोलर रीजन में मिल रही है वेजिटेशन. या फिर अगर हमें कोई भी लाइफ मिल रही है वहां पे, फ्लोरा फोना कुछ भी है, तो वो सब पोलर में है. पोलर रीजन में हो सकता है कि हमें लाइकन्स मिल जाए या एल्गीज मिल जाए, लेकिन वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करे, दिस इज सो डिफिकल्ट. हो सकता है कि फ्यूचर में कर सके. थॉर्नी बुशेज डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट में पानी कम होता है, वहां पर उन जैसा प्लांट्स को चाहिए होता है पानी, उस हिसाब से पानी नहीं मिल पाता, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है. तो वहां पर थॉर्नी बुशेज होती है, यानी कि कांटेदार झाड़ियां होती है. कांटेदार झाड़ियां इसलिए होती है क्योंकि अपनों ने पढ़ा था 6th क्लास के अंदर साइंस में, हो सकता है साइंस में पढ़ा हो, कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस, जिसे अपने हिंदी में कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, आई विल राइट द स्पेलिंग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस के अंदर, कि जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ देती है, इस तरीके से अपना काम करते हैं. और एक और प्रोसेस होता है, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तो उस प्रोसेस के अंदर लीव्स के थ्रू पानी को जो है, लीव्स सनलाइट के प्रेजेंस में वो पानी को छोड़ देती हैं. तो अगर डेजर्ट एरियाज में या फिर वहां ऐसे एरियाज में जहां पर पानी की कमी है, वहां पर अगर उस टाइप के पौधे उग जाएंगे तो पानी की कमी ऑलरेडी है, और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर उन्हें ज्यादा वो प्रोसेस हो गया तो उन्हें पानी रहेगा ही नहीं, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे. तो वो जो लीव्स हैं वो स्पाइक्स का, यानी कि कांटों का शेप ले लेती हैं, कांटों के फॉर्म में आ जाती है, जिससे उनका जो पानी है वो कम इवेपोरेट हो. सलीमा रियलाइज द हिमालयस हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन. कि सलीमा कहती है कि हिमालय पर उस टाइप की लगभग सभी वनस्पतियां हैं, सभी वेजिटेशन हैं जो कि कोई देख सकता है जब वो इक्वेटर से पोलर रीजन पर जाए. अब हमने पढ़ा था कि 6th क्लास में हमने पढ़ा था लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कि ये अर्थ है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ जिसे कि हम कहेंगे नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री साउथ जिसे हम कहेंगे साउथ पोल, और ये 23.5 डिग्री साउथ. 23.5 डिग्री साउथ जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री है इक्वेटर. यह है पोलर रीजन्स ये और ये वाला. कि वो कहते हैं कि जब भी कोई इक्वेटर से पोलर रीजन्स पर जाता है, जिस टाइप की वेजिटेशन आदमी देखता है वहां पर, उसी टाइप की वेजिटेशन हिमालय पर चढ़ते टाइम जब वो बॉटम टू टॉप जा रहा होता है, उसे उस टाइप की वेजिटेशन मिलती है. अब आप सोचोगे ऐसा कैसे, कैसे इक्वेटर पर गर्मी है, पोलर रीजन्स पर ठंड है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं या फिर पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बदलता है, ठंड बढ़ने लगती है. ठंड क्यों बढ़ने लगती है, कि जो सनरेज है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर आती है क्योंकि यहां पर स्ट्रेट रेज पड़ती हैं और कम होती रहती है वहां पर. हाँ, रेवोल्यूशन से इस पर फर्क पड़ता है, लेकिन अगर अपने मेजरली देखें, जनरली देखें, तो यही होता है. तो जैसे जैसे यहां पर ठंड बढ़ रही है, और जब अपने माउंटेन पर जाते हैं तो नीचे कम ठंड होती है. मैंने आपको पिछले पेज पर बताया था कि 165 मीटर हाइट पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है. तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर के बेसिस पर इतने प्लांट्स हैं, रेनफॉल के बेसिस पर इतने प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, तो इस कारण. द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. कि जो हम चेंजेस देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन के टाइप के अंदर, उसका मेन कारण क्या है,
मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, कि उनका मेन कारण है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर चेंज. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेटिंग देयर. तो अब हम आगे जानेंगे कि किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक, वहां पर किस टाइप की वाइल्ड लाइफ रहती हैं, उनके बारे में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. तो मेजरली जो टाइप्स हैं वो हैं, चलो पहले ये डू यू नो पढ़ते हैं, विच इज आई फील वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट्स गिवन, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ. कैन यू टेल व्हाई? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. पहले तो ये बताते हैं क्या लिखा हुआ है, कि कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहां पे हम इसके बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ ये डू यू नो पढ़ेंगे जो इस पेज पर गिवन है, कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील के, स्पेसिफिकली ब्राजील जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो है अपने साउथ अमेरिका के अंदर. कि अगर आपने देखेंगे साउथ अमेरिका इस टाइप का है थोड़ा, दिस इज इस्थमस ऑफ पनामा, और ऊपर जो है वो है नॉर्थ अमेरिका. कि जो ब्राजील है वो लगभग इस एरिया में है, यहां पर है ब्राजील. ब्राजील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं वो इतने ज्यादा है, इतना इनॉर्मस है, कि उन्हें अर्थ का लंग्स कहा जाता है. अब लंग्स क्यों कहा जाता है? जो पेड़ है वो हमें रेस्पिरेशन में अपने कहेंगे कि अपने जिंदा रहने में अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लंग्स के थ्रू अपने रेस्पिरेशन कर पाते हैं. रेस्पिरेशन के कारण ऑक्सीजन की जाती है हमारे अंदर, ऑक्सीजन जाने के कारण हमारा जो ब्लड है वो अपना काम कर पाता है, अपना ब्रेन काम कर पाता है, ब्लड के कारण हार्ट काम कर पाता है. मतलब मेनली हम ट्रीज के कारण अपना लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीज हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. सो उसी तरीके से अब अर्थ का लंग्स किसे कहेंगे? अर्थ का लंग्स कहेंगे इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, क्योंकि ये बहुत एनॉर्मस है. ये एनॉर्मस है इसलिए यहां पर ऑक्सीजन का लेवल, ये जो ऑक्सीजन बनाएंगे वो भी काफी होगा. तो एक और जो डू यू नो दे रखा है वो है एनाकोंडा. एक बड़ा सांप का टाइप है, एक रेप्टाइल ही है. वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी बड़े सांप पाए जाते हैं ना, उनमें से एक सांप है एनाकोंडा, वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर. इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच अ क्रोकोडाइल. तो अपने सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो सकता है, कि अगर वो एक क्रोकोडाइल जितने बड़े जीव को खा सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो अब हम कल से कंटिन्यू करेंगे फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशंस में, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन है, किस टाइप की वाइल्ड लाइफ है, कैसे एरियाज में वो मोस्टली मिल रही है. सो दैट्स फॉर इट. टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कम बैक टुमारो ऑन दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़.